आज 15 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक डे मनाया जाता है और इसी संदर्भ में आज डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी हमारे जो SMS मेडिकल कॉलेज का जो डिपार्टमेंट है उसने इसको मनाने का एक संकल्प लिया। और ये जो प्रयास है ये आम जनता में एक जागरूकता फैलाने का प्रयास है, स्पेशली क्योंकि आम जनता की नज़र में ये नहीं पता होता है कि जब कोई पेशेंट को कोई सर्जिकल प्रॉब्लम हो रही है या कोई बर्न का पेशेंट होता है, तो पेशेंट जल जाता है, उसको किस जगह जाना है और किस जगह कौन से डॉक्टर की उसको अटेंड करेंगे, तो उसी की कड़ी में इस आज का ये दिन मनाया जा रहा है। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हम ये देना चाहेंगे इस डे को मनाने के द्वारा वो यह है कि स्किन डोनेशन के बारे में आज हमारे SMS मेडिकल कॉलेज में पूरा एक साल हो गया है जबकि स्किन बैंक हमारे यहाँ इस्टेब्लिश किया गया था और इसी के लिए हमने आज के दिन उन दानवीरों को भी यहाँ इन्वाइट किया है, उनको सम्मानित करने का PM ने यहाँ पर सम्मानित किया है जिनके प्रयासों से स्किन डोनेशन किया गया। यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो SMS मेडिकल कॉलेज की टीम है और जो हमारे NGOs हैं और जो मोटिवेशन करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से यहाँ पर स्किन बैंक स्थापित हुआ और साथ ही स्किन डोनेट भी हुई। तो इन्हीं को देखते हुए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी और लोग भी इससे प्रेरित होकर आगे डोनेशन कर पाएंगे। प्लास्टिक सर्जन की तरफ से आज प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जा रहा है और मैं आप सभी को अपनी बधाई प्रेषित करना चाहूँगा। और जैसा अभी प्रिंसिपल सर ने बताया इसका मेन उद्देश्य हर साल हम किसी न किसी थीम को लेके आगे चलते हैं और इस बार की थीम और इस बार का उद्देश्य जो है वो है कि लोगों में स्किन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना और साथ में जो स्किन बैंक एस्टेब्लिश हुआ है जो कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक है, ये आपको मेरे कहते हुए बहुत खुशी है कि एम्स दिल्ली से पहले भी यहाँ वाला स्किन बैंक एस्टेब्लिश हुआ है। एम्स दिल्ली में भी नहीं था और सफदरजंग में अभी चालू हुआ है, तो उससे पहले हमने यहाँ पे राज्य सरकार के प्रयासों से और प्लस रोटरी क्लब ने जो हमको डोनेशन दिया था उसके प्रयासों से यहाँ पहला स्किन बैंक चालू किया था। और स्किन बैंक के कारण से हम आने वाले टाइम में काफ़ी सारे गंभीर मरीजों को जो कि बर्न के खासकर बर्न से रिलेटेड तो है ही और यदि गंभीर रूप से मरीज एक्सीडेंट के बाद भी ऐसा होता है कि चमड़ी चली गई है, बहुत ज़्यादा चमड़ी है और अवेलेबल नहीं है, तो उसको भी हम जो डोनर्स हैं जो स्किन डोनेट करेंगे उसे हम कवर कर पाएंगे और कवर करके हम काफ़ी हद तक उनकी जान बचाने में सफल होंगे। जो पहला स्किन जो हमने ट्रांसप्लांट किया था उस समय हमारे पास स्किन बैंक नहीं था, ये 2015 की बात है। दिवाली वाले दिन हमारे को पहली बार कॉल आई थी और हमने दिवाली रात जिस दिन दिवाली थी उसी दिन रात को हमने यहाँ आए और हमने जिसने भी स्किन हमारे को डोनेट की थी हमने पूरी रात उसमें ये लगा क्योंकि काफ़ी सारी तब कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारे हमें पता ही था कैसे करना होता है, परंतु उसके बावजूद भी हमने उसकी स्किन ली और नेक्स्ट डे एक जो बच्चा था करीब 70% झुलसा हुआ था उसकी जान बचाने में हम सफल हो पाए और आज भी बच्चा अपने पैरों पर चल पा रहा है और वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। तो इसी तरह के प्रयास मेरी केवल एक मीडिया से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम अवेयरनेस हम कह रहे हैं मतलब अवेयरनेस ही केवल मीडिया के द्वारा ही हो सकती है यदि मीडिया इसके लिए प्रयास करेगा। और मेरे को ये कहते हैं बहुत खुशी है कि जब भी हमने मीडिया को अप्रोच किया है इस बारे में तो उन्होंने आगे बढ़ के इसको इस प्रयास में हमारा बहुत सहयोग दिया है और आज भी ये तैयार रहते हैं हरदम कि सर ये बताइए कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं, तो हम समय समय पर जरूर उनकी हेल्प भी लेते रहेंगे और उनको गाइड भी करते रहेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट फिर ये रहेगी कि इस प्लास्टिक डे को सफल हम तभी मान पाएंगे जबकि अवेयरनेस पूरे एटलीस्ट राष्ट्र अपनी स्टेट में तो हो जाए, क्योंकि हमें अभी जब हमारा जो स्किन बैंक एस्टेब्लिश हुआ इवन मेदांता से हमारे पास कॉल आई कि हमको स्किन चाहिए, हालांकि हमने प्रोटोकॉल अपना ही बना रखा है अभी कि हम ये स्किन जो है केवल अभी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डोनर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन अवेलेबल नहीं है, तो हम केवल और केवल SM जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इनको दे पाएंगे। बट जैसे ही यदि ये हमारे पास और ज़्यादा स्किन हो पाएगी तो इस स्किन को हम 3 से 5 साल तक इवन स्टोर कर सकते हैं, तो यदि हमारे पास ज़्यादा स्किन रहेगी तो डेफिनेटली हम आसपास के हॉस्पिटल्स को और इवन बाहर भी यदि लोगों को नीड होगी तो डेफिनेटली उनकी हम हेल्प कर पाएंगे।